रेल मंडल में अनुपूरक तीसरी लाइन 20 कुछ वक्त यात्रियों को हो सकती है परेशानी। 8 मार्च तक पूरे करने का रखा गया है। रेलवे कार्य को देखते हुए कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। कुछ वक्त तक यात्रियों को थोड़ा वेट करना होगा। 8 मार्च तक पूरा लक्ष्य रखा गया है। रेलवे कार्य को देखते हुए ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के अनुपूरक तक रेलवे कनेक्टिविटी, तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम शुरू कर दिया गया है, जिसको देखकर अब कुछ वक्त तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब देरी से ट्रेन चलने की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी हो रही है और इसको लेकर यात्रियों को कुछ हद तक परेशानी हो सकती है और कुछ ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त तक यात्रियों को परेशानी हो सकती है। 8 मार्च तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे कनेक्टिविटी का कार्य किया जा रहा है, उसको देखते हुए ट्रेनें रद्द की गई हैं। कुछ बिलासपुर रेल मंडल के अनुपूरक तक रेल कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम शुरू कर दिया गया है। कुछ वक्त तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कुछ ट्रेनें धीमे भी चलेंगी। वहीं 8 मार्च तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे कार्य को देखते हुए ट्रेनें कई रद्द भी कर दी हैं, जिसके वजह से कुछ यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम शुरू हो गया है। आठ मार्च तक काम पूरा हो जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। रेलवे कार्य को देखते हुए ट्रेनें रद्द कर दी हैं कुछ। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कनेक्टिविटी को देखते हुए कई यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं कुछ ट्रेनें धीमे चलेंगी तो कुछ की रफ्तार रुक जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।